the clock. रणदीप, दिया क्या कर रही है यार? कर रही थी यार? दिया, पैकिंग हो गई तेरी? क्या पूछ रही हूं मैं? हाँ, अरे माँ, हाँ हो गई। भैया भाभी नहीं आए अभी तक? 15 मिनट पहले फोन आया था, पहुंच रहे होंगे अभी। वो तो पहुंच जाएंगे माँ, पर मुझे ना अभी तक समझ नहीं आ रहा है आप क्यों नहीं आ रहे हो। सब साथ होते हैं, कितना मजा आता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हैं, तुम ना परेशान हो जाओगे। हेल्थ इश्यूज है या प्लेन में बैठने से डर लगता है? सच कहिए। बड़े बड़े प्लेन मुझे देख के प्लेन हो जाते हैं, समझी? कुछ भी। अरे आ गए। मैं भी क्या। हाँ हाँ भाव। कैसी है मेरी बहन? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया बढ़िया। भाभी कैसे हो? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। माँ कहाँ है? कहाँ हो सकती हूँ, उनकी फेवरेट प्लेस। मैं यहाँ हूँ। जाइए आप लोग। माँ मैं रख दूँ। जूते जूते जूते, किचन में जूते नहीं लाना। माँ आप और आपका किचन। कैसा है बेटा? बस बढ़िया। खुश रहो। माँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं नहीं नहीं, आ रही है ना खुशबू? क्या बना है? क्या बनाया है, क्या बन सकता है, क्या बना सकती हूँ? फ्रेश हो जाओ, बाद में करो। सबका फेवरेट मटन पाया। तेरी पैकिंग हो गई? हाँ भैया, वैसे मैंने तो ना बहुत कम ही सामान रखा है। आपको पता है मुझसे ज्यादा सामान किसने रखा है? मुझे पता है, आर्यन। As usual। है कहाँ वो? मैं यहाँ हूँ भैया। पहले कौन है भाई? अरे बैठो। कैसे हो भैया? बढ़िया। कहाँ था इतनी देर? बाथरूम। तुम ही बता दो। हाथ धोए थे? वेरी फनी, वेरी फनी। वैसे तू दिया के कमरे का वॉशरूम की यूज कर रहा था, मेरे कमरे का वॉशरूम खराब था क्या? मेरा कमरा? अब वो मेरा कमरा है, ठीक है? भाई वो कमरा और ये दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। इसकी नजर पहले से मेरे कमरे पे थी। नजर तो मेरी इसके कमरे पे भी है। देखना भैया, इसकी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसके कमरे में ना म्यूजिक रूम बनाऊंगा। हाँ आपको पता नहीं, पड़ोसी जो घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं उसकी वजह और कौन है? भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना अभी पोयम भी लिखता हूँ, पता है आपको? ओ क्या पोयम? एक आदमी दो दो काम कैसे पूरे कर सकता है? कैसे ये करता है? नहीं दूंगा। मैं ले आऊंगी। खुशबू काफी बढ़िया आ रही है। यही सब्जी मैंने भी बनाई थी, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सी बनी थी। क्यों, क्या क्या डाला था तुमने? आपने जो मसाले दिए थे वही डाले थे, पर पता नहीं क्या हो गया। ऐसा करना, अब तुम वापस आओगे ट्रिप से, मैं तुम्हारे सामने बनाऊंगी, सीख लेना और विश्वास को खिलाना। फिर कोई फायदा नहीं, जितना भी अच्छा खाना बनाओ, विश्वास हमेशा यही कहता है कि मेरी माँ जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। हर बच्चे को लगता है मेरी माँ जैसा खाना कोई नहीं बनाता है, तुम भी सीख लोगी, ठीक है?
अच्छा, मैंने वो डॉक्टर का पता और फोन नंबर दिया था, तुम गई थी? वो काम के चक्कर में रह गया। ऐसा ना करो, जाना एक बार। वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं बहुत लोगों को, तुम्हारे भी हो जाएंगे बच्चे। तुम चिंता मत करना, हाँ वो अच्छा इलाज करेगा तुम्हारा, ठीक है? तुम टेंशन मत लेना, वो डॉक्टर सब सही कर देगा, ठीक है? मैं विश्वास से कहती हूँ, तुम्हें ले जाएगा, ठीक है? माँ। हाँ। और कितना टाइम है? बस 15 मिनट। अच्छी आ रही है। 15 मिनट। माँ भूख लग गई है। हाँ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अपने कमरे में? इसके कमरे में जा रहा हूँ। बस। वहाँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ मेरे जाने के बाद भी यहाँ कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये दिया का पहला दिन है स्कूल का। क्यूट लग रही है। क्यूट? फूट फूट के रोई थी मैडम। और ये पहला लेजेंडरी गिटार भाई साहब का। पापा से इतनी जिद करके लिया था इसने, समाओ पापा खुश थे उस दिन। मेरा ऑफिस दूर नहीं होता ना जुई, मैं ये घर कभी छोड़ता ही नहीं। माँ बाप के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, नहीं? जब अपने बच्चे होंगे विश्वास। विश्वास, हमारे भी बच्चे होंगे। ऐसे जुई, देखो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें घर चाहिए, हम अडॉप्ट कर लेंगे ना। और लोगों को क्या कहेंगे? मैं बात नहीं बन सकता। मुझे माफ कर दो। विश्वास तुम प्लीज उठ जाओ। मुझे माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें आज तक एक बच्चा भी नहीं दे पाया। विश्वास तुम प्लीज उठ जाओ। ये बात मुझे अंदर से रोज खाई जा रही है और मैं जानता हूँ ये बात तुम्हें भी खा रही है। लोगों को लगता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है, असली दिक्कत मेरे में। फिर भी तुमने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा, ना मैं प्यार दे पा रहा हूं ना मैं बच्चा दे पा रहा हूं, आखिर क्यों तुम मेरे साथ? पति हो तुम मेरे, पूरे रीति रिवाजों के साथ बीवी बनी हो तुम्हारे, उठो बच्चों से इज्जत मत करो, उठो। देखो रही बच्चों की बात तो अडॉप्ट कर लेंगे ना। चलो फ्रेश हो जाओ, चलो चलो जल्दी जाओ, फ्रेश हो जाओ।
मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आप किस चीज की माफी मांग रही? मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, असलियत तो अभी पता चली है। एक बार तो बोल दिया करती। क्या बोलती माँ, बोलने जैसा कुछ था ही नहीं, और जो जैसा है अच्छा है। विश्वास को डॉक्टर के पास नहीं माँ, मैं विश्वास को और तकलीफ नहीं देना चाहती, और माँ हो सके तो प्लीज आप उसे कुछ मत बताइए। लेकिन बेटा तुम दोनों जिंदगी भर प्यार किया है मैंने उससे, और एक दिन आप ही ने कहा था ना कि रिश्ते समझौते पे बनते हैं, तो बस इसे मेरा समझौता ही समझ लीजिए आप। लेकिन बेटा माँ चलो ना, सीटी बज गई है, खाना खाना है, भूख लगी है, हम लोग सब लोग बैठ चुके हैं टेबल पर। आ रहे हैं हम दोनों, आ रहे हैं। लो, आ गया तुम सबका फेवरेट मटन पाया। सबका नहीं मम्मा, सिर्फ विश्वास भैया का, बट खुशबू बहुत अच्छी है। बचपन में तो तू उंगलियां चाट जाता था, भूल गया भाई? ये तो सब कुछ खाकर उंगलियां चाटता था, भूखा जो था। आई एग्री माँ, बोलो ना इनको। क्यों परेशान कर रहे हो उसको? माँ आप तो उसी का साइड लोगे, आपका फेवरेट बच्चा जो है। माँ के लिए कोई फेवरेट नहीं होता है, तुम माँ बन जाओगी तब पता चलेगा। तुम लो ना। नहीं मेरा व्रत है, मैं भूल गई। मैं सबने ले लिया रोटियां और खाना स्टार्ट करो। माँ आपके हाथ का वेज खाना भी उतना ही बढ़िया है। माँ दुबई में आपके खाने की बहुत याद आई, काश आप भी दुबई चलते। हम आप क्यों नहीं आ रहे हो? मैं चलती लेकिन मेरे हेल्थ इश्यूज है छोटे मोटे। हेल्थ इश्यूज है? प्लेन में बैठने से डर लगता है। चुप कर। शादी के बाद तुम्हारे पापा और मैं गोवा गए थे हनीमून के लिए प्लेन से। आपके जमाने में हनीमून होता था? मारूंगी ना। फ्लाइट कितने बजे की बेटा? 12 बजे माँ, और माँ हम लौटते समय कैलिकट रुकेंगे, जूही के पेरेंट्स के यहाँ। जरूर संभाल कर जाना, वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल करना। बिल्कुल माँ। आर्यन सबके साथ घूमने जा रहे हो, हाँ सबके साथ रहना। माँ मैं छोटा थोड़ी ना हूँ अभी, भाई बड़ा हो क्या, मैं ध्यान रख सकता हूँ खुद का। माँ पानी मिलेगा? अरे मैं भूल गई। थैंक यू। अरे विश्वास फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन उठाओ जूही, क्या हो गया? जी मनोरमा बंसल। जी मैं हूँ। जी विश्वास बंसल, दिया बंसल, जूही बंसल और आर्यन बंसल। हाँ मेरे बच्चे हैं, दुबई गए हुए हैं। एक बुरी खबर है, फ्लाइट नंबर 1344 जो कि कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया है। हाँ मैंने टीवी पे देखा। उसमें आपके बच्चे थे।
मेरे बच्चे? क्या आप कल हॉस्पिटल आकर बॉडी वेरीफाई कर सकते हैं? बॉडीज Are you okay, ma'am? आ जाऊंगी। ये लेटर लेकर आइएगा प्लीज। सॉरी फॉर द लॉस। दिया, हेल्थ इश्यू थे, प्लेन में बैठने से डर लगता है। पैकिंग हो गई तेरी? आपके जमाने में हनीमून होता था। आप किस चीज की माफी मांग रही? नहीं मां, मां दुबई में आपके खाने की बात याद आई। काश आप भी दुबई चलते। हाँ विश्वास बेटा, ठीक है, तुम्हारे दुबई जाने से पहले तुम्हारा फेवरेट मटन पाया सूप बनाऊंगी, आ जाना। क्या कह रहे थे तुम? मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, खुद से एक ग्लास पानी भी नहीं ले सकते तुम? लो। हाँ? अरे तब छोटा था, अब बड़ा हो गया है, खुद ही बोल रहा है। दिया बस बस, अब फोन, खाना खाओ। जूही एक और रोटी लो तुम। अरे लो, तुम्हें मेरी कसम है, लो चलो खाओ खाओ। फ्लाइट भी है ना? हाँ लेट हो जाओगे, जल्दी खाना खाओ खाओ, मटन पाया। मुझे भी